डॉक्टर्स कॉलोनी मोड़ कंकड़बाग से। पूरा राजेंद्र नगर जलमग्न हो चुका है, ये देख सकते हैं किस प्रकार से नाव बनाने का जुगाड़ किया जा रहा है। जी हाँ, बिहार के लोग जुगाड़ में ऐसे ही आगे रहते हैं। और इस नाव बनते हुए देख सकते हैं इस पे फिर किस प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा। बहुत ज्यादा पानी होता है, इतने लाइटें हैं। ये नाव बन रहा है भाई साहब? हाँ भैया, हम लोग क्या अपना सागा फील्ड डूबा हुआ है, वही में जा रहे हैं भैया, क्या करें? किधर जाएंगे आप लोग? हम लोग सागा फील्ड झोपड़ी, हम लोग डूबा हुआ, कोई साधन नहीं वहाँ पर, क्या करें हम? अच्छा, राजेंद्र नगर रोड नंबर 6E? नहीं, 5A में। 5A में? हाँ, पूरा पानी है ना? पानी तो इतना कि कुछ कहे लायक नहीं। और जी हाँ, आज कुछ पानिया घटी है पटना में, कल बारिश रुकने के वजह से। प्रकार से ट्रैक्टर से लोगों को लाया जा रहा है इधर से उधर प्रशासन। तो देखेंगे किस प्रकार से राजेंद्र नगर के इस एरिया वाले में पानी लग रही है। यह स्टेशन की तरफ से जो सड़क आती है उसमें सारी दुकानें बंद नजर आ रही होगी। यहाँ पे पूरे अभी सुविधा प्रदान करने वाले घर घर से भी लोग आए हैं, इधर उधर से भी आए हैं, और बिहार पुलिस के लोग दिख रहे होंगे यहाँ। और ये ट्रैक्टर के जरिए लोगों तक जिस प्रकार से लोगों को इधर से उधर किया जा रहा है देख सकते हैं। यहाँ राजेंद्र नगर में बाढ़ से सबसे ज्यादा लोग चपेट में हैं और अपनी बातों को हर जगह से रख रहे हैं। ये देखिए, सामान ले जाया जा रहा है बाढ़ राहतों के लिए। और ये सारी दुकानों में पानी घुस गया है, इसे निकालने की व्यवस्था की जा रही है। इस मोटरसाइकिल को देख सकते हैं, अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कितनी पानी अभी यहाँ पर जमी हुई है राजेंद्र नगर। जी हाँ, ये है भू विज्ञान भवन। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे पानियाँ इस अपार्टमेंट में भरी हुई है, भू विज्ञान भवन में, पटना के डॉक्टर्स कॉलोनी के मोड़ पे। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे काफी पानियाँ लग रही। जी हाँ, और ये देख सकते हैं जिस प्रकार से बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, सुविधा मुहैया कराने के लिए आज प्रशासन ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है। 3 दिनों से के अपेक्षे ट्रैक्टरों से लोगों को पहुंचाया जा रहा है उनके स्थानों तक, जहां वो सुरक्षित रह सकें। ट्रैक्टरों से लोगों को लाया जा रहा है, उतारा जा रहा है जहां जहां पर पानी अधिक है। प्रशासन भी आज मुस्तैद लग रही है, उनकी गाड़ियां भी दिख रही है। पीछे देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये राजेंद्र नगर के स्टेशन से दाहिनी ओर की ये जो रोड है, यहाँ तक कई जगहों की नजरें नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पे काफी पानी है लगा हुआ, लगभग साइकिल डूब जा रही है, कोई गाड़ी का सभी गाड़ी का आवाजाही बंद कर दिया गया है। एक प्रशासन की गाड़ी दिख रही है जिससे सुविधा मुहैया कराया जा सके। आज कई जगहों पे प्रशासन की भी गाड़ियां दिखी जो 3 दिनों से नहीं दिखा। से डॉक्टर्स कॉलोनी की तरफ कंकड़बाग में पानी लग रही है, लोगों को पैदल आना जाना पड़ रहा है, ऑटो रिक्शा बंद है, गाड़ी किसी भी तरह से फोर व्हीलर धीरे धीरे आवागमन कर। भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी आवास लोहिया नगर पट्टा का ये दृश्य है। और ये देख सकते हैं लोहानीपुर जाने वाली सड़क पे किस प्रकार से आम जनजीवन व्यस्त है, जानवर आदमी सभी प्रभावित हैं। पटना के इस बाढ़ से सारी गाड़ियों को इधर से उधर लगाया जा रहा है। प्रशासन थोड़ी देर से जागी मगर जागी हुई दिख रही है आज। बिहार पुलिस के लोग भी दिख रहे होंगे। ये है पटना का राजेंद्र नगर, देख सकते हैं यहाँ पर कितनी पानियां लग रही है। ये पूरा गली डूबा हुआ है, उस कार का दृश्य भी देख रहे होंगे।
यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली पटना का एरिया है। और ये प्रशासन के द्वारा जेसीबी ऐसी कई चीजें लगाई गई है ताकि लोगों तक सुविधा पहुंच सके। यहाँ पर बाढ़ से अफरा तफरी को आसानी से देखा जा सकता है। एम्बुलेंस खड़ी है, प्रशासन आज जितनी मुस्तैद लग रही है शायद 2-3 दिनों पहले लगती तो आज यह हाल नहीं होता। देख रहे होंगे राजेंद्र नगर के मलाही पकड़ी की ओर जाने वाली रास्ता, जिस प्रकार से पटना में धूप निकली है और सभी के घरों पर कपड़े नजर आ रहे होंगे।